सलाम नमस्ते सत श्री अकाल के साथ, मैं हूं आपके मेज़बान गुलज़ैब खाकानी जी। कैसे मिजाज हैं आपके? बात यह है कि इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं सोच रहा था कि एक चीज़ जो है हमारे जो सबसे बड़ा मसला है, यहाँ कनाडा और टोरंटो में बैठे हुए जब हम पानी पीते हैं तो पानी की एक एक बूंद जब गले से उतरती है तो जनूबी पंजाब, ख़ासतौर पर मुल्तान, बहावलपुर और वो तमाम इलाके में जो कड़वे और जहरीले पानी से जो बीमारियां फैलती चली जा रही हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तस्वीर, उनके उस पानी पीने से मरने वाले लोगों की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आती हैं, जहां पे कहत है, जहां पे पानी में आर्सेनिक है। और ये मसला सिर्फ मुल्तान, बहावलपुर, रहीमयार खान और चोलिस्तान के इलाकों में नहीं बल्कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में ये मसला है। इवन के कुछ अर्सा पहले एक रिपोर्ट के तहत हमें बताया गया था कि लाहौर, पूरे पाकिस्तान समेत, क्योंकि लाहौर का हम नाम इस वजह से लेते हैं कि कुछ लोग सिर्फ लाहौर ही को पाकिस्तान समझते हैं, तो बाकी ईमानदार जो इलाके हैं वो क्वेटा को भी शामिल कर लें और सिंध को भी शामिल कर लें और इंटीरियर सिंध भी शामिल कर लें, तो उसमें वो जो मिनरल वाटर जो हम पीते हैं वो पानी भी जो है UNO की एक सर्वे टीम के मुताबिक उस पानी में भी जो है बड़े हानिकारक और नुकसानदेह जो है असरात मौजूद हैं। आज का सबसे बड़ा मसला जो है वो पानी का है। मेरी आपसे हमेशा यही गुजारिश रहती है, यही इल्तजा रहती है, यही जो है आपको मैं दरख्वास्त करता हूँ, अरदास करता हूँ कि जनाब पानी जो है वो उसका ज़रा ज़ियां मत किया कीजिए और खुदारा ये बचाइए अपने लिए और अपने आने वाली नस्ल के लिए। आज हमारी इस प्रोग्राम में पाकिस्तान की एक बहुत ही मुक्तदिर शख्सियत और इल्मी, अदबी और सहाफ़ती हवाले से एक इनका बड़ा नाम है और बड़ी कदावर शख्सियत हैं, और यकीनन जब भी हम इनको तस्वीर में देखते हैं तो बहुत से लोगों में ये कदावर ही नज़र आते हैं। और बहुत बड़ा नाम है, एक अरसे से जो है कालम निगारी कर रहे हैं और हम इनको वहाँ पे देख रहे हैं, इनकी तहरीरें पढ़ रहे हैं और टेलीविज़न पर इनकी गुफ्तगू भी हमारी हमारे लिए जो है वो हवाले के तौर पर रखती है और एक रेफरेंस के तौर पर होती है। और पाकिस्तानी सियासत में आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से कॉलमिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट में और सरबराहे हुकूमत की हकूमती तश्कील में और मुख्तलिफ हवालों से बड़ा अपना असर रसूख रखते हैं, और ये बिल्कुल हकीकत है। आज हम उसी मेहमान को यहाँ खुश आमदीद कहते हैं जो यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं, जनाब तौफीक भट्ट साहब। मैं खुश आमदीद कहता हूँ सर। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वो मुझे यहाँ पे दावत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। कैसे मिजाज है सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है अल्लाह का, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? फर्स्ट क्लास। अच्छा सर, ये बताएं आप कि इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी तस्वीर जो हैं वो हम देखते हैं कि हलकों में भी और टेलीविज़न चैनल पे भी इमरान खान के साथ दिखाई देते हैं आप भी वहाँ, और भी बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़े बड़े जो हैं वो नामवर हस्तियाँ हैं सहाफत की, और वो भी इमरान खान की तरफ उनका झुकाव बहुत है। आप मसलन सलाहुद्दीन साहब उनको ले लें और हसन निसार साहब को ले लें और जनाब मुबशर लुकमान तो है ही बद चढ़कर आपकी भी, तो क्या आज सहाफ़ियों ने ये ख़ास तौर पर, मैं आपकी सहाफ़ती ज़िंदगी के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सोच लिया है जहनी तौर पर और फिज़िकली कि अब पाकिस्तान के की सियासत के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ यही एक चारा है जो शायद जिस जो एक अपना एक पॉलिटिकल कार्ड जो है वो उसके हामिल हैं और शायद यही मुस्तकबिल हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने कहा कि हमारा झुकाव जो है वो इमरान खान की तरफ है। मैं बाकियों की बात नहीं करता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ। मेरा झुकाव इमरान खान की तरफ नहीं है, मेरा झुकाव मेरे मुल्क की तरफ है, मेरी धरती की तरफ है, मेरे वतन की तरफ है। और जहाँ तक इमरान खान का ताल्लुक है तो हम इस वक्त ये समझते हैं या मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो लोग 30-30 सालों से इकतदार में हैं और वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की तकदीर बदलने के बड़े दावेदार रहे हैं,
और पाकिस्तान जो है उनके 30-30 साल इक्तदार में जो है मसाइल पाकिस्तान के जो हैं वो कम होने की बजाय मसाइल पाकिस्तान के जो हैं वो बढ़े हैं, और उस इक्तदार में जो है वो ये नहीं है कि सिर्फ सियासी इक्तदार है, मैं उसमें फौजी इक्तदार की बात भी कर रहा हूँ कि हमारी तकलीफ हमारा दुख, या मैं अपनी ज़ात की बात करूँ, मेरी तकलीफ़ और मेरा दुख ये है कि मैं एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ जो जिसकी जो जो जिसका ख्वाब हज़रत इकबाल ने देखा और कायद आज़म ने उसे जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया, तो एक ऐसा ख्वाब उनके पैगाम के मुताबिक उनके सोच के मुताबिक जहाँ पे मेरे बच्चे एक अच्छे मुस्तकबिल के साथ रह सके, बिल्कुल सही, जहाँ पे जो है वो झूठ और करप्शन का जो कारोबार है वो बतदरीज खत्म हो। सर ये जो तो अब एक जो उम्मीद बनी वहाँ पे लोगों के लिए इमरान खान की सूरत में और एक 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 होप लोगों के सामने आई, तो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखना चाहिए, नए लोगों को भी सामने आना चाहिए, गो के इमरान खान से भी हमें बहुत से इख्तलाफ आते हैं, बिल्कुल ठीक है, तो उसकी पार्टी में अपने जो है वो पुराने पार्टियों से टूटे हुए लोग जो है वो उसकी अपनी पार्टी में भी शामिल हुए, उनको कली करके जो है वो उनको दोबारा बिठा दिया है, बनी कली भी नहीं कर सका वो। अच्छा, मैं एक और बात पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से मजबूरी सियासी तौर पर बात करते हैं, बेनजीर साहिबा की वफात हुई तो चोम मिस्की ने कहा, जो एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के पास एक ही एक विजिटिंग कार्ड था, एक पॉलिटिकल विजिटिंग कार्ड था, वो अब ख़त्म हो चुका है। तो क्या आप समझते हैं कि उसके बाद ये जरदारी और ये जो लोग अब बैठे हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि चोम मिस्की ने ठीक कहा था कि विजिटिंग कार्ड वाकई ख़त्म? बेनज़ीर, देखें, बेनज़ीर जो है वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, और ये वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो था जिसने पाकिस्तान को जो है वो एक आइन भी दिया और यहाँ पर एक इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का क्रेडिट भी उसे किया, और उसके बाद एक आमिर ने जब जो कुछ उनके साथ किया तो वो एक बड़ी उसके साथ जो है वो अपने मौकफ के साथ वो सारा जो सर है वो डटा रहा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फिर असर पाकिस्तानी लोगों को क्या हुआ? हाँ, ये एक अलग मौजू है, पहले मैं आपके बात का जवाब दूँ। अच्छा, अब उस पे जो उसकी जो भुट्टो की बेटी थी वो उसने अपने बाप के उस जो एक उसका एक सियासी जो एक सोच थी उसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को लेके वो आगे चल रही थी, और उसके हवाले से एक नारा लगाया जाता था, चूँकि पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात थी जिसका वजूद चारों सूबों में था, तो बेनज़ीर भुट्टो को कहा जाता था चारों सूबों की जंजीर, बेनज़ीर बेनज़ीर, आपने सुना होगा एक नारा लगता था, तो एक वो चारों सूबों में उसका एक वो था और उसने सूबों को जो है वो जोड़ा हुआ था। इस्तेहकाम पाकिस्तान की अलामत थी और वो सियासत में जो है वो जाहिर है उसका एक था, और उसने चलें जो भी, तो ये जो उसके बाद वाले लोग हैं और उसके बाद जो लोग इक्तदार में आए, आपने सरदारी साहब का नाम लिया, मैं भी उनका नाम ले लेता हूँ, तो एक जो लोगों को वैसे तो सरदारी साहब से बेनज़ीर के इक्तदार में भी कोई उम्मीद नहीं थी कि ये सरदारी साहब कभी सोचा भी नहीं था लोगों ने कि ये इक्तदार में आ जाएंगे, लेकिन वो एक हादसा हुआ जिसके नतीजे में जरदारी साहब को फायदा हुआ और जरदारी साहब जो है वो इक्तदार में आ गए। सही। तो लोगों का ख्याल ये था कि शायद ये पहले वाला जरदारी नहीं है, अब रिप्लेस कर देंगे बेनज़ीर को, क्या लोगों का ये ख्याल था कि ये पहले वाला जरदारी नहीं है, ये वो जरदारी है जिसने बेनज़ीर की आंसू बहा के में बेनज़ीर के मर्डर पे इसने पाकिस्तान ठप्पे का नारा लगाया था। तो ये बाद में जब इस इक्तदार में आए और इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो सलूक किया तो वो फिर ये लगता था वो ये खपे पंजाबी वाला खपे है, तो जिसको कहते हैं तकलीफ देना खपाना, तो ये लोगों को बाद में उसका जो एहसास हुआ और उनके 5 साल दौर में जो है वो लोग तकलीफ में मुब्तला रहे। लेकिन एक जरूर मुझे उस दौर के हवाले से भी मुझे एक खुशी जरूर है कि उन्होंने अपनी जो एक सियासी मुद्दत थी वो पूरी की। अच्छा, उनके बारे में ये कहा जाता है कि जनाब ठीक है वो बड़े बुरे आदमी थे ये, लेकिन बड़े
चतुर सियासतदान थे जी, बिल्कुल। ये क्या है सर ये? जी बिल्कुल, इसलिए वो थे कि उन्हें पता था कि पाकिस्तान में जो असल कुवतें हैं मैंने उन्हें नाराज नहीं करना, ठीक है। उन्होंने उन कुवतों के साथ असल कुवतों से मिराद आपकी पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट है? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट नहीं, क्योंकि जरदारी साहब ने तो सराय की सूबा बना रहे थे, वहां पे मुल्तान में तो असेंबली भी बननी शुरू हो गई थी और लोगों को सराय के ग्राम पर गिलानी साहब भी बड़ा बेवकूफ बनाते रहे। नहीं, वो तो एक उनकी सियासी चालें थी सारी। अच्छा, वो एक वो चालें थी साहब? चालें थी बिल्कुल, वो उसमें सीरियस नहीं थे। आप देखें कि वो बयानात की हद तक रहा ना, उसके बाद भी ये बात उन्होंने शुरू की अपने इक्तदार के 2 या 2.5 या 3 साल के बाद, लेकिन उसको उन्होंने कोई अमली जामा पहनाने के लिए, उसको प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए कोई उनकी वर्किंग तो नहीं है, उन्होंने कोई काम तो नहीं किया, ठीक है ना। तो वो उनके एक सियासी एक वो इस तरह के बयानात थे, लेकिन असल खुशी मुझे इस बात की है कि जरदारी जैसा भी सरदारी गवर्नमेंट ने अपने जो जो जमहूरी आप कहते जो हैं कि जमहूरी तासुर दिया, वो जो तासुर दिया या नहीं ये तो एक अलग बात है, उसने अपने इक्तदार की मुद्दत पूरी की। और ये जो हमारे सियासी लोग जो पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके, और ये जो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमें अपने इक्तदार की मुद्दत जो है वो पूरी करने का मौका नहीं मिलता, और वो तो वो ये बहुत उसके बाद जो है एक ऐसा सियासी दौर था जैसा भी था, उसमें नकाइस की बात भी हमने की, ये एक ऐसा दौर था जो अपनी मुद्दत जो है वो पूरी की। अभी भी जो पाकिस्तान में गवर्नमेंट है उससे लोगों को बेशुमार इख्तलाफात हैं, बेशुमार चीजें हैं, वो भी मसाइल हल करने की कोशिश शायद जरदारी से बेहतर कर रहे होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि उनको भी अपने इख्तदार की मुद्दत जो है वो पूरी करनी चाहिए, ताकि हमारे सियासियों को उनके पास ये एक जवाब ना रहे कि जी हमें तो इतना टाइम मिलता है और हम अपनी मुद्दत भी पूरी करते हैं और हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते और दरमियान में ही हमारी हुकूमत जो है उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो सर क्या ये आप कहते हैं इसका मतलब तो ये है कि 5 साल इनको भी मुद्दत पूरा करने दें ताकि ये जितने भी मंसूबे हैं लाहौर के हवाले से, लाहौर को पेरिस बनाने के हवाले से, चलो वो बना लें, और ऑरेंज ट्रेन वगैरह और जो भी है अब जो भी तरक्की का जो जीना है वो लाहौर ही में आकर उतरता है, शायद उनको जो है सिर्फ सैलाब के दिन में दूसरे इलाकों के नाम याद आ जाते हैं और वो एक फुटेज बनवाने चले जाते हैं लॉन्ग बूट पहनकर। तो सारी ये मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ, और ये तासुर जो है ये हमारे हुक्मरानों को ये समझना चाहिए। आपने जो बात की है, अभी मैं यहाँ कैनेडा में, उससे पहले मैं अमेरिका में भी गया, और ये बात सिर्फ आप नहीं कर रहे, ये बात मुझे बहुत से पाकिस्तानियों की मीटिंग्स हुई, मैं बेशुमार पाकिस्तानियों की मीटिंग्स में गया, उनके साथ मैं मिला, तो ये बात वो भी महसूस करते हैं कि क्या लाहौर सिर्फ जो है वो पाकिस्तान है। हालांकि आप खुद लाहौर के? मैं लाहौर का हूँ, और तो हर लाहौरी को अपने लाहौर से बड़ी यादें और बड़ा वो... नहीं, मुझे भी लाहौर से बड़ी मोहब्बत है, लेकिन मेरा पहला और आखिरी इश्क पाकिस्तान है और लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन मैं ये तो ऐसे नहीं, मैं नहीं, वो हुक्मरानों का मसला है ना, मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरानों को बजाय इसके, मैं मेरी बात मुकम्मल होने दे, मैं ये समझता हूँ कि हुक्मरान बजाय इसके कि पाकिस्तान को लाहौर समझें, मेरी ये ख्वाहिश है कि वो लाहौर को पाकिस्तान समझ लें और वो जो लाहौर में करते हैं पूरे पाकिस्तान में जो है वो वैसे ही करें। और लाहौर में भी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्कुल सही कहता हूँ कि ये ठीक है, 4 पुल बना लेने से और 4 सड़कें बना लेने से लाहौर कोई ज़्यादा बदनाम हो गया, लाहौर के जो अंदरूनी हालत है, आप लाहौर में अंदरूने शहर चले जाएं तो वहाँ पर वही पुराना लाहौर है, वही सीवरेज सिस्टम बर्बाद हुआ है, गलियों में वैसे ही सारा जो है वो गंद है, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो लाहौर सिर्फ आप पाकिस्तान में कौन कौन सी जगहों पर घूमे हुए हैं सर? आप मुझे नाम बताएँ, आप कौन कौन से इलाकों में? आप एक सहाफ़ी से मेरा ख्याल है कि जो एक सोशल साइंटिस्ट है और जो उसकी नज़र पूरे पाकिस्तानी, आप पाकिस्तानियत माशाल्लाह हम भी उस पर हैं, आप उसकी एक बात करते हैं तो लाजमी बात है कि आप उस जोग्राफी से भी जुड़े हुए हैं, तो आपका एक्सपोजर क्या है पाकिस्तान में, कौन कौन से इलाके आपने देखे? सर बदकिस्मती, मेरी बदकिस्मती ज़ाती तौर पर यह है कि जो असल मेरा पाकिस्तान है, जो खूबसूरत पाकिस्तान है, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि वो पाकिस्तान जो मेरी आंखों के सामने है वो भी बहुत खूबसूरत होगा,
लेकिन वो पाकिस्तान जो मेरी आंखों से ओझल है, वो पाकिस्तान जो मुझसे परे है बेशुमार मसाइल की वजह से, वहाँ पे रोड्स नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, बाकी ये जो आपके सारे पहाड़ी इलाके हैं या दूसरे, पानी नहीं है सर, पानी नहीं है। मैं तो आज के सबसे बड़ा मसला है। मैं आपने इब्तिदा में वो पानी की बात भी की, तो वो पाकिस्तान जो है वो जिसको कहा जाता है कि पाकिस्तान एक जन्नत है, मैं ये समझता हूँ, नॉर्थ में गए, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे हुक्मरान नेक नीयत होते और अब भी अगर हमारे हुक्मरान नेक नीयत हो तो वो पाकिस्तान को वाकई एक ऐसा पाकिस्तान बना सकते हैं कि हम लोग जो हैं वो एक दुनिया की जन्नत देखने के लिए कभी हम यूरोप जाते हैं, कभी हम बर्तानिया जाते हैं, कभी हम कनाडा जाते हैं। आप तो पाकिस्तान जो है वो किसी मुल्क से कम तो नहीं है। बाट साहब, आप इंतहाई प्यारे इंसान हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपका एक एक लफ्ज़ जुमला हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आपने पाकिस्तान और उसकी जन्नतों के बारे में जिक्र किया, आपने उस जन्नत को यकीनन दूसरे ममालिक के साथ भी कंपेयर करने की कोशिश की कि स्विट्ज़रलैंड वगैरह ये वगैरह, लेकिन पाकिस्तान की जन्नत तो सिर्फ आपको जो है वो शुमाली इलाका जात में तो नज़र आ सकती है। क्या आप पंजाब और सिंध के छोटे छोटे कस्बों में और क्या कहते हैं इन सब इलाकों में आप, और बलूचिस्तान के छोटे छोटे कस्बों में आप गए, क्या वहाँ आपने जन्नत तलाश की या जन्नत देखी? देखें, वो जो आप जिस तरफ निशानदेही कर रहे हैं ना, वो मसाइल अपनी जगह पे हैं और वो प्रॉब्लम है गवर्नेंस के। एक इंतहाई क्या ये उनका फर्ज था कि वो जो जिस तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि उन लोगों को भी वो एक हसीन बनाते, उन लोगों में भी उन इलाकों में भी। चलिए, वो वहाँ एक अच्छे एक वक्त था वहाँ कि वो गुलाम हैदर वाइन साहब हुआ करते थे जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब के एक्स, तो वो कहा करते थे मैं मियां चन्नू को जो है वो मैनचेस्टर बनाऊंगा, या पता नहीं क्या एक और शायद का क्या करते थे इस तरह। फैसलाबाद वाले जो हैं वो कहते थे ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है और यूँ है क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं। वो कहने जहाँ पे बहैसियत कॉलम निगार आप लिखते हैं, आप नहीं समझते कि वो जगह जो हैं कि जहाँ पर बेरोज़गारी है, वहाँ पर पीने का पानी नहीं है, NFC के हवाले से जो अपर पंजाब है वो अपने इलाकों को जो है वो पूरा हिस्सा नहीं देता, और बड़ी बड़ी नेशनल जमातें जो हैं वो आती हैं उन इलाकों से लोग चुन कर, जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी है या लगारी थे, बेनजीर पीपल्स पार्टी ने ही सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। मैं आपसे पूछूंगा कि उन्होंने लाकर उनको तो बडेरों को और जागीरदारों को तो बिठा दिया, लेकिन पंजाब एस्टेब्लिशमेंट ने उनके वो मसाइल जो ग्रास रूट लेवल पर थे वो उनको हल करने की उनकी जो है वो नहीं किया कि ये ना हो कि कहीं लाहौर उनसे रूठ जाए। यही बेनजीर का भी मसला था, यही जरदारी का मसला था, आप क्या कहते हैं? देखें, मैं ये समझता हूँ कि जब आप के जो पॉलिटिशियन हैं, जब आपके जो सियासतदान हैं, वो बजाय इसके कि वो मुल्क का सोचेंगे, मुआशरे का सोचेंगे, सही मानों में वो अपने इलाकों का सोचें, वो जब अपने ज़ाती मफादात का सोचते हैं और उनकी सारी सियासत और उनकी जो हुकूमत है वो उसके दायरे में घूमती है, तो फिर आप जिन मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं उन मसाइल को, ये कसूर देखें आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की है, ठीक है, तो क्या उसके, मैं ये कहता हूँ कि प्रेशर्स में, दबाव में रहकर भी ये जो है, ये अगर अपनी एक मिल से 10,000 मिलें या 10 मिलें या 300 मिलें या 400 मिलें, या सियासत में ये माल कमा लेते हैं और सियासत को जो है ये इन्होंने एक बाज़ार समझा हुआ है और अपने लिए ये इतना कुछ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का कोई जो है वो अमल दखल नहीं होता, लेकिन जब ये मुल्क का मामला आता है तो फिर ये कहते हैं कि जी हमें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ नहीं करने देती, या हम जो है वो एक तासुर लेके बैठे हुए हैं। क्या आप समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया जो है वो एजेंसीज के मुट्ठी में है और उसके बगैर वो उनकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं है, कोई अपना जो है वो उनकी अपनी आइडियोलॉजी और हुर्मत नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल में ये तासुर कोई इतना भी सही नहीं है, और अभी आप देखें कि इवन सोशल मीडिया पे भी और हमारे मीडिया पे भी अभी यहाँ पे
एक वाकया होता है कि हमारी जो मोटरवे पुलिस है वो एक एक आर्मी ऑफिसर को जो है वो रोकते हैं, और वहाँ उनके साथ कोई ऐसा मसला होता है, तो उस मसले को इसके बावजूद कि वो एक आर्मी ऑफिसर है, जिसको हम कहते हैं कि हमारी फ़ौज जो है और इंतज़ामिया और हमारी पुलिस वाले ये सारे इसको हम एस्टेब्लिशमेंट का कहते हैं, तो हमारे मीडिया ने भी उसके बारे में जो है वो बड़ी एक तवाना आवाज़ उठाई है, हमारा सोशल मीडिया जो है उसने भी बड़ी आज़ादी के साथ जो है वो किया है। तो ये जो तासुर है कि हमारा मीडिया पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट की या ताकतवरों की गिरफ्त में है, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। वो किसी हद तक ये होगा, और ये तासुर मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसा कौन सा है जो आज़ाद मीडिया जैसे पाकिस्तान में आप कह सकते हैं जो अपनी उस पर आइडियोलॉजी पर यकीन रखता है। नहीं, वो देखें ओवरऑल अगर आप मीडिया का जायज़ा लें तो मैं ये समझता हूँ कि हम प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कौन सा इदारा है? मैं किसी इदारे का नाम लेने की आप खुद जो लिखते हैं मैं अपनी बात भी इसलिए नहीं कर सकता कि आप मुझे पढ़ते हैं और आपने अभी मुझे मेरी कुछ चीज़ों के बारे में आप बताया, तो मेरे बारे में तो ज़्यादा बेहतर फैसला आप कर सकते हैं कि मैं क्या हूँ मैं क्या नहीं हूँ। और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं भी ये समझता हूँ, आपने अभी इस पर पहले नाम लिए। माजरत के साथ बट साहब, आपने तो कभी आपकी तहरीरों में हमने जा पचा ढूंढने की कोशिश की है, वही आप बात अब भी यहाँ कर रहे हैं कि सरबराह ने हुकूमत को लानताल कर रहे हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं क्योंकि उनसे कुछ उम्मीद नहीं है, और उसके बावजूद जो है लोग या तो उनकी वाहवाही में लिखते हैं या फिर उनके ज़रा सा खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं, या फिर जो कॉलमिस्ट हैं वो अपनी पुरानी याददाश्तों को ले बैठते हैं, क्या कुछ कॉलमिस्ट ऐसे हैं जो सफरनामे लिखने में मशगूल हो गए हैं। देखिए, तो मैं ये समझता हूँ कि आप इस रवैये को सिर्फ पाकिस्तान के साथ मुंसलिक नहीं कर सकते, ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है, ये सिर्फ मेरे पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ है। आप यहाँ पे हम बैठे हुए हैं कैनेडा में, हम अमेरिका में हैं, हम पाकिस्तान में हैं, हम बाहर हैं, हम इंडिया में हैं, कहीं भी हैं, लोगों की अपनी अपनी सोच अपनी अपनी राय जो है वो होती है। आपको कभी किसी ने घेराव करने की कोशिश की कि हमारे हक में लिखे, किसी एजेंसी किसी इदारे ने आप पर असर रसूख किया? मैं ये बड़ा एक ज़ाती सा सवाल है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं, लेकिन ये मैं कहूँगा कि वो इदारे और एजेंसियाँ जिनके आप इशारे से मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी पता होता है कि किस पे हम प्रेशर डाल सकते हैं और किस पे हम प्रेशर नहीं डाल सकते। अगर वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि मेरा इश्क जो है वो मेरा मुल्क है, और सर मुझे आपने उसके लिए मुल्क की बात कर रहे हैं, हम भी नॉस्टैल्जिक हैं, हमारी भी बड़ी वो हमारे वो है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आपने इकबाल की जिक्र किया, दो कौमी नज़रिए का भी जिक्र किया, आपको वो करारदाद और वो सब कुछ वगैरह वगैरह, आप इस वक्त क्या कहते हैं पाकिस्तानी कौम कहते हैं सर आप? बिल्कुल कहते हैं जी पाकिस्तानी कौम। एंथ्रोपोलॉजी और सोशल साइंसेस की रूह में एक कौम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसकी एक जो उसकी एक तारीफ है वो क्या हो सकती है, कौम का स्ट्रक्चर क्या होता है? आप मैं यही एक आपसे यूं समझे कि जनरल नॉलेज का आपसे सवाल। सर जो कौम तो असल में अफराद होते हैं ना किसी भी सोसाइटी। नहीं सर, मुझे ये बताएं कि मज़हब की बुनियाद पर होती है, नस्ल की बुनियाद पर होती है, ज़ुबान की बुनियाद पर होती है, या वो क्या कहते हैं इलाके की बुनियाद, मुझे बताएं ना ये। मैं इन चीज़ों पर, ये चीज़ें एक खास हद तक ज़रूर मैटर करती हैं, और मज़हब बिल्कुल होता है और उसमें कौमियत बाकी सारी चीज़ें भी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असल में वो कौम सही मानों में कौम होती है जो सिर्फ एक मज़हब को पेश नज़र रखती है, और वो होता है इंसानियत। इंसानियत जिन मुआशरों से इंसानियत ख़त्म हो जाती है, जो इंसान की कदर नहीं करता, जो मुआशरा आप देखें, हमारे हकूक अल्लाह को देखें, आप हमारे हकूकुल अबाद को देखें, वो सारी चीज़ें जो हैं सर, तो असल चीज़ जो है वो इंसानियत है, और वही मुआशरा जो है वो एक सही मुआशरा होता है। सर इंसानियत का जिस मुआशरे पर आप कौम की तारीफ को मुंजबित कर रहे हैं,
उस इंसानियत की बुनियाद पर तो जो है उसका तजुर्बा ये साबित हुआ कि आज जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं और बच्चों को उड़ाया जा रहा है। कोई भी आदमी घर से निकलता है तो उसे ये मालूम नहीं कि वो क्या देखिए आप ये देखिए कि पाकिस्तान में आपने बंगालियों को कौम नहीं समझा था। नहीं, आप बिल्कुल देखिए, आप इस चीज को सिर्फ पाकिस्तान पे आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान में अगर आप ये जगह जगह धमाके हो रहे हैं तो आप इस चीज को भी पेश नजर रखें कि पिछले जो है वो कितने अरसे से 90% पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी जो है वो खत्म हुई है। ठीक है, और ये धमाके सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं होते है ना, ये एक आलमी सतह का एक जो मसला है। बीजेपी 10 सालों में जो हुआ है, ये तो 10 साल में जो धमाकों का जो बिल्कुल हुआ सही है, बिल्कुल आपको पता है कि पाकिस्तान की बिल्कुल ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, ये बैरूनी अनासर हैं और हमारी सिर्फ जो हमारी इंतजामिया और हमारे जो वहां पे हुक्मरान हैं उनका सिर्फ। सर मुझे ये बताएं कि बलोच कौन है, सिंधी कौन है और सरायकी कौन है, महाजिर कौन है, पख्तून कौन है और पंजाबी कौन कौन है और बल्तिस्तानी कौन है? ये तो सर ये तो मुत्तहिदा पाकिस्तान है। सर आप मानते हैं मुत्तहिदा पाकिस्तान? सर देखें, ये सब पाकिस्तान में कई बार ऐसे मकाम आते हैं जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आता है और तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। सब इकट्ठे होते हैं सर, ये सब इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होते हैं क्योंकि जो फज्जा जो करतार सिंह टोबर टेक सिंह का रहने वाला है वो 47 के बाद उसने जो है अपने मजहब की बुनियाद पर उसको वो तकसीम नहीं होना चाहता, वो वही रहना चाहता है जहां उसका घर है, जहां उसका पिंड है। एक जो है सिंधी जो है जिंद वड्डा, वो भी अपने इलाके में ही रहना चाहता है चाहे वो तकसीम हो जाए, चाहे यहां से जो है हिंदू वहां चले जाते हैं। जनूबी सरायकी इलाकों में जो हिंदू यहां से गए हैं, बहुत बड़े लोग यहां से गए हैं, उनको जबरदस्ती भेजा गया और इन सब लोगों को जो है बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो प्यार करते हैं, उनको अपनी सरजमीन से प्यार है। जो इंडिया चले गए आज भी वो कहते हैं कि यार किसी तरीके से हम वहाँ जाएं अपने इलाकों में और वहाँ जाके देखें। और जिस पर मिल्खा सिंह की मिसाल है और बहुत से लोगों की मिसाल है, लेकिन पाकिस्तान में आपका ये ख्याल नहीं कि बदकिस्मती से सिर्फ लाहौरियों को, लाहौर को ही पाकिस्तान समझा गया और लाहौर की सियासत को ही पाकिस्तानी सियासत की जो है सरबराहाना हुकूमत पर तक रसाई का हामिल समझा गया? और ये क्या आपके नजरिए? नहीं, मेरे ख्याल में कि लाहौर जरा हमारे लोगों के सर पे ज्यादा सवार हो गया। मैं खुद लाहौर में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सिर्फ 4 सड़कें और पुल अगर वहाँ पे बन गए हैं तो हमारे सर पे लाहौर सवार हो गया है कि लाहौर को ये जो है वो बहुत ज्यादा लोग, जिस तरह हमारे एक ऐसा वाकया हो जाता है कुछ 10 सालों में एक आधा ऑनर्स किलिंग का, तो उससे जो है वो पूरे मुल्क को बदनाम कर दिया जाता है और समझा जाता है कि जिस तरह हर जो है यहाँ पे जो है, तो मैं एक चैनल पे मैं इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ पे मैंने ये भी कहा था कि यहाँ पे बेशुमार हैं लड़कियाँ जो हैं वो अपनी पसंद से शादियाँ करती हैं और उनके भाई उनको कुछ नहीं कहते, लेकिन वो वाकया जो है वो नहीं दिखाए जाते। और मेरा ख्याल है कि लाहौर को हमारे आसाब पर कोई ज़्यादा सवार हुआ है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि तहसीलदार की जॉब आपने क्यों छोड़ी? ये इसका जवाब जो है मैं अभी जो है एक ब्रेक ले लेते हैं सर जी। नाजरीन जो है एक ब्रेक चाहिए, नाजरीन व्यूअर्स हम कहीं नहीं जा रहे। तौफीक भट्ट साहब खुशकिस्मती से जो देखिए, मैं इतना खुश हूँ कि खुशकिस्मती की जो अदायगी है वो भी नहीं कर पा रहा, तो ये प्रोग्राम जारी है, ये गुफ्तगू जारी है। एक पल के लिए जाते हैं और एक पल के लिए वापस आते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला अभी इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से इनके और रोशन पहलू हैं वो हम डिस्कस करेंगे, अभी आते हैं।